शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। और हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स काम ही नहीं करता है। मतलब आप फ्लाइट लेके चले जाओ, आप वहाँ पे जाके युद्ध करने चले जाओ, कुछ भी वहाँ पे काम नहीं करेगा। देखिए, पृथ्वी की ज़्यादातर घटनाएं और प्राकृतिक प्रक्रिया भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर ही चलती हैं। इंसानों ने अपने लंबे इतिहास में इन चीज़ों के बारे में ही तो खोज किया है और खोज करते चले जा रहे हैं, फिर भी अभी तक पूरी तरह से खोज नहीं पाए हैं। उसी में से एक जगह है जोन ऑफ साइलेंस, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक काम नहीं करता है। यहाँ जो घड़ी है वो भी उल्टी चलती है। यहाँ पे अनोखी बातें हैं सब। जगह है मैक्सिको सिटी। यह तो शायद कोई जानता हो, लेकिन यहाँ होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जानकर आपकी समझ में आ सकता है कि जगह का यह नाम कैसे पड़ा। इस स्थान से जुड़ी सबसे अजीब बात यह है कि यहां आते ही दुनिया के तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने आप काम करना बंद कर देते हैं। कहा जाता है कि यहां कुछ ऐसी असामान्य बात है जिसकी वजह से यहां किसी भी तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसी काम नहीं करती है। और यह जगह मैक्सिको में चिहुआ हुआन रेगिस्तान के नाम से जानी जाती है, और आज तक यह पहले कोई नहीं जान पाया है या आखिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना क्यों बंद कर देते हैं। इसके अलावा भी इस जगह को लेकर अन्य कई बातें कही जाती हैं, तो उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो जोन ऑफ साइलेंस उर्फ मापिमी साइलेंट जोन मैक्सिको के बोलसन डी मापिमी के पास स्थित एक रेगिस्तान इलाका है, और यह जगह मैक्सिको के दुरांगो नगर के पास पड़ता है। यह जगह देखने पर पहली नजर में ही काफी सूखा और वीरान सा लगता है, और यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसानी सभ्यता भी नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये वर्तमान के आधुनिक समय में भी पाषाण युग के प्राचीन काल को भली भांति प्रदर्शित कर रहा है। ना ही कोई सैलानी, ना ही कोई जानवर या जीव, बस सन्नाटा ही सन्नाटा। इस इलाके के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि इलाका काफी ज्यादा संदिग्ध है, क्योंकि यहां पर कई बार असाधारण गतिविधियों को देखा गया है। कई लोग ये भी कहते हैं कि यहां पर दूसरे ग्रहों से परग्रही आकर रहते हैं, और यहां से ही वो लोग दूर अंतरिक्ष में मौजूद अपने घर तक वापस जाते भी हैं। इसलिए इस जगह को परग्रहियों का द्वार भी कहा जाता है। यहां पर अजीबोगरीब तरंगों का मिलना तो एक आम बात है, और वो भी तो हम आपको डिटेल में बताएंगे ही। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस जगह पर फेल होने संबंधी रिसर्च की गई है। तब यहां से गुजर रहा अमेरिका का एक टेस्ट रॉकेट धराशायी हो गया था। वैज्ञानिक जब इस जगह पर पहुंचे तो यहां डायरेक्शन कंपास और जीपीएस चक्री की तरह घूमने लगे, जो कंपास है टक 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 घूमने लग गया। इससे पहले ये जगह तब चर्चा में आई जब यहाँ कई उल्का पिंड गिरे थे। पहला उल्का पिंड 1938 में और दूसरा 1954 में इस जगह पर टकराया था। इसके बाद से यहाँ पे रह रहे लोग कुछ अजीबो गरीब होने का दावा करते रहते हैं। इस जगह का नाम जोन ऑफ साइलेंस वर्ष 1966 में तब रखा गया था जब एक ऑयल कंपनी यहाँ तेल की खोज में आई थी। कंपनी के लोग ने जब इस 50 किलोमीटर के क्षेत्र पर रिसर्च करना शुरू किया तो बेहद परेशान हो गए, क्योंकि उनके सारे उपकरण ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें एक भी रेडियो सिग्नल नहीं मिल पाया। मापिमी बायोस्फीयर रिजर्व के मध्य में स्थित जोन ऑफ साइलेंस अपने अंदर कई सारे गहन रहस्यों को समेटे हुए है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर अपने आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियो तरंग काम नहीं करता, वजह किसी को पता नहीं। यह स्थान बरमूडा के त्रिकोण और गीजा के पिरामिड के समानांतर ही आता है, इसलिए इस जगह से अक्सर दूसरी दुनिया से आए लोगों के साथ जोड़ा जाता है।
और कई मरतबा देखा गया है कि इस जगह पर घड़ी भी उल्टी चलती है और दिशा सूचक कंपास भी काम करना बंद कर देता है। कोई भी बाहरी तरंग आ नहीं सकती क्योंकि इस जगह पर एक ऐसा क्षेत्र पहले से मौजूद है जो कि किसी भी संचार तरंग को काम करने नहीं देती। कई सारे अजीबोगरीब लोगों को एक साथ गायब होते हुए भी देखा गया है और गायब होने वाले ज्यादातर लोग तो इस दुनिया के लगते भी नहीं थे। अनोखे शारीरिक बनावट और अनजान गतिविधियों के कारण इनके बारे में लोग बात भी ज्यादा नहीं करते हैं। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि इस जगह पर स्वतः रेडियो तरंगों का बिखराव हो जाता है और इसी वजह से यहां कोई भी वैद्युतीय उपकरण काम नहीं करता। अमेरिका सेना के साथ एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना घटी थी जिसके बारे में लोग शायद ही जानते होंगे। एक बार अमेरिकी सेना ने एक मिसाइल के परीक्षण के लिए इसी जगह के पास स्थित एक जगह को टारगेट करके मिसाइल छोड़ा। मिसाइल को इसी जगह के ऊपर से होकर जाना था। उस समय इस जगह की खासियत के बारे में अमेरिकी सेना को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए ज्यादा कुछ विश्लेषण न करते हुए उन्होंने मिसाइल को लॉन्चिंग पैड से दाग दिया, परंतु वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। मिसाइल टारगेट तक कभी पहुंची ही नहीं। बाद में मैक्सिको की सरकार से इजाजत लेने के बाद उन्होंने इसी जोन ऑफ साइलेंस की खोज की और काफी खोज करने के बाद जो अमेरिकी सेना के सामने बात आई वो काफी हैरान करने वाली थी। मिसाइल टारगेट से 400 किलोमीटर दूर बिना फटे जमीन पर पड़ा था। ये देखकर अमेरिकी सेना के होश उड़ गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, तो कैसे हो सकता है। तो खास बातें हैं जो मैंने आपको बताया है। इस जगह की रहस्यमयी होने वाली सबसे पहली वजह यह है कि इसे दूसरे ग्रहों के जीवों के साथ जोड़ा गया है और यहाँ पर कई सारे UFO के देखे जाने की घटनाओं के बारे में पता चला है। और कई सारे वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इस जगह के ठीक नीचे भारी मात्रा में यूरेनियम और मैग्नेटाइट छुपी हुई है और ये दोनों ही पदार्थ काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रेडियो तरंगों को छोड़ने में सक्षम भी है, इसलिए यहाँ पर घड़ी या दिशा सूचक कंपास काम नहीं करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमको पता चली और मैंने आपको बताई है, तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।